तिब्बती बौद्ध धर्म के निग्मा स्कूल के प्रमुख धर्म गुरु तंगलुंग चेतुल रिंपोचे इन दिनों बौद्ध नगरी मैक्डोलगंज के भ्रमण पर है। अपनी मां संग मैक्डोलगंज पहुंचे धर्मगुरु नवांग ताशी राप्ते ने तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। गौरतलब है कि लाहौल स्पीति में स्पीति घाटी के ताबुक क्षेत्र के रंगरिंग गांव के 4.5 साल के छोटे लड़के नवांग ताशी राप्टेन की पहचान तिब्बती बौद्ध धर्म के निग्मा स्कूल के प्रमुख तंगलुक चेतु रिंपोचे के चतुर्थ पुनरावतार के रूप में की गई थी। बौद्ध गुरुओं ने बालक के घर जाकर इसकी पहचान करने के बाद शिमला में विधिवत बालक का नाम बदलकर तंगलुक चेतु रिंपोचे रख दिया, जो दोर जीडक मठ के अनुयायी का गुरु है। धर्मगुरु की मां डोलमा ने बताया कि दलाई लामा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दलाई लामा ने धर्मगुरु तंगलुंग चेतुल राप्टेन की हेयर कटिंग की, उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि दलाई लामा के साथ उनकी मुलाकात काफी लंबी चली। इस दौरान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तंगलुंग चेतुल रिंपोचे से कई विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान दलाई लामा ने चेतुल रिंपोचे को पढ़ाई को लेकर भी बात की, जिस पर दलाई लामा ने तंगलुक चेतु रिंपोचे को अच्छे से पढ़ाई करने की बात कही। ये गुरुजी अभी कब से तेटु रिंपोचे जी है, वो धर्मशाला के महागुरु है, जहाँ कुसुमटी कोम्पा मोनास्ट्री है वहीं के गुरु धर्म गुरु हैं जी। और यहाँ के धर्मशाला में तो आज कल हम यहाँ आए थे और यहाँ दलाई लामा जी के दर्शन करने आए थे जी हम सारे, फिर आज दलाई लामा जी के दर्शन भी हो गए, फिर आज यहाँ पे सटे हैं, कल हमें वापस जाना है क्या? जी नहीं, आज हमने ऊपर उनके वहाँ पे दलाई लामा जी के वहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम था, जिन्होंने उन्होंने महागुरु जहाँ की हेयर कटिंग किया, फिर उनको ब्लेसिंग दी, फिर उनके पढ़ाई के बारे में कुछ कहा अच्छे से पढ़ाई के लिए, बस यही कार्यक्रम था हमारे यहाँ तक था। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे का कार्यक्रम हम बस शिमला जाके फिर वहीं होगा। हाँ जी।